हमने कल क्या किया था कि हमारे कुछ अकाउंट्स दिए थे, वो अकाउंट्स हमारा पर्सनल है, हमारा रियल है या हमारा नॉमिनल है, ये कैटेगराइज किया था। अगर आप पर्सनल, रियल है, नॉमिनल पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि किसमें कैटेगराइज करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक ट्रांजेक्शन लेंगे। उस ट्रांजेक्शन में ऐसी कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होगी वो हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद वो दो एस्पेक्ट में से, एस्पेक्ट का मतलब होता है उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड की गई है, तो एस्पेक्ट देखने के बाद उसमें कौन से दो अकाउंट आएंगे और वो दो अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो अब आपके लिए पर्सनल, रियल है, नॉमिनल पहचानना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, पेज नंबर 24 का। यहां पर सबसे पहले देखो क्या दिया है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 20,000 रुपीज। कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्टेड, कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्टेड। तो स्टार्टेड बिजनेस मतलब मैंने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने कैश कितना लाया, 20,000। तो 20,000 रुपए मैंने क्या लाया, कैश लाया। अब मुझे बताओ ये 20,000 रुपए कैश कहां आएगा, बिजनेस में आएगा कि घर पे आएगा? बिजनेस में आएगा। पहला चीज क्लियर, हमें किसकी तरफ से सोचना है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमें किसकी तरफ से सोचना है, बिजनेस। बिजनेस में ये 20,000 रुपए आएगा या जाएगा, आएगा। तो पहला चीज कमेंस बिजनेस विद कैश, तो इसका मतलब पहला दो एस्पेक्ट अगर हम लोग बोलेंगे तो पहला दो एस्पेक्ट हो जाएगा बेटा कैश कम्स इन, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। पहला चीज क्या हो गया, कैश कम्स इन, और कैश अगर आ तो वो हो जाएगा एक अकाउंट हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट। अरे तकलीफ, वापस बोल रहा हूं, हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20,000 रुपया कैश लाया, तो इसका मतलब कैश कम्स इन, तो एक अकाउंट हो गया मेरा कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट, सिंपल। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाए गए पैसे को क्या कहते हैं, कैपिटल। बिजनेस में जो ओनर पैसा लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। मतलब ये पैसा देने वाला कौन है, देख ध्यान से सुनो, यहां पर आशीष सर है, ये अलग एंटिटी है, और यहां पे मेरा क्लास का नाम हो गया, तो ये मेरा एक बिजनेस है, ये मेरा क्या है, बिजनेस है। आशीष सर यहां पर पैसा लाएंगे, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश। लेकिन ये पैसा लाने वाला कौन है, ये पैसा लाने वाला आशीष सर है, मतलब प्रोप्राइटर, ओनर है। तो ओनर ये पैसा दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है, तो इसका मतलब प्रोप्राइटर या ओनर इज द गिवर। क्या बोला बेटा, ओनर इज गिवर। ये पैसा दे कौन रहा है भाई, पैसा तो आ रहा है ना, पैसा आप खुद ला रहे हो, लोन से ला रहे हो, बैंक से कर्जा करके ला रहे हो, फ्रेंड से ला रहे हो, वाइफ से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, तो यहां पर ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, यानी ये पैसा कौन ला रहा है, ओनर। तो ओनर जो पैसा लेकर आता है, ओनर जो पैसा लेकर आता है उसको बेटा बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते बेटा, कैपिटल। तो दूसरा अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल। समझ में आया, पहला क्या बोला, कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस कैश से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अगर बिजनेस कैश से स्टार्ट होता तो पहला चीज क्या होगा, कैश कम्स इन। क्या आ रहा बेटा, कैश बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश कम्स इन। बट ये पैसा दे कौन रहा है, ये पैसा ओनर दे रहा है, तो ओनर इज द गिवर। ओनर जो बिजनेस में पैसा देता है उसको क्या बोलते बेटा, कैपिटल। अब मुझे आप लोग बता सकते हो आसानी से, कैश हमने कहां सीखा था, तो कैश हमने सीखा था रियल अकाउंट में। क्यों सर, क्योंकि कैश देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। और कैपिटल, कैपिटल कौन है, ओनर। ओनर इंसान होता है, इसलिए वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ आपको, अगर सिर्फ दो एस्पेक्ट लिखने के लिए बोला, अगर क्वेश्चन में अगर बोला सिर्फ टू एस्पेक्ट, तो आप ये सिर्फ दो कॉलम बनाओगे, समझा। अगर क्वेश्चन में बोला टू एस्पेक्ट एंड टू अकाउंट, तो ये दो अकाउंट बनाओगे। अगर क्वेश्चन में बोला क्लासिफिकेशन भी, तो क्लासिफिकेशन भी बनाओगे, सिंपल। आपको क्वेश्चन में जो बोला रहेगा उसके हिसाब से बनाना है, तो लेकिन पूरा ये इतना पार्ट आपको फॉलो करना है। इसमें कोई दिक्कत, पहले वाले में कोई तकलीफ, पहले वाले में कोई तकलीफ, चलो आगे बढ़े। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बेटा क्रेडिट और कैश क्या होता है पहले बता देता हूं।
ऑन क्रेडिट मतलब हमने इसे उधारी, सुना है उधारी का नाम, खाते में लिख दो। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, हमने उधारी में सामान खरीदा, किससे खरीदा, अजय से खरीदा, कितने का खरीदा, 10,000 रुपए का। तो एक सिंपल लॉजिक बताता, सिंपल लॉजिक, मैंने माल खरीदा तो मेरे पास माल आएगा कि जाएगा, आएगा। तो सर ऑब्वियसली सर आपके पास गुड्स आएगा, सिंपल, बदले में क्या जा रहा है, मनी। बट यहाँ पे तो बोला उधारी है। अच्छा उधारी के कंडीशन मतलब क्रेडिट में पैसा कभी जाता है क्या, पैसा कभी जाता है क्या? मैंने 10,000 का सामान खरीद के लाया, बदले में दिया ही नहीं, मैंने क्या बोला, खाते में लिख लो, उधारी ना, खाते में लिख लो। तो ये 10,000 रुपया दे दिया मैंने, नहीं दिया, तो इसका मतलब किसे देना है, किसको पैसा देना है, अजय को। तो दूसरा बंदा कौन हो गया मेरा, अजय। अरे हाँ ना, वापस समझ में आया, क्या बोला मैंने, मैंने मैं दुकान में गया, मैं अजय की दुकान में गया, अजय को बोला सामान दे, सामान देने के बाद उसने 10,000 का बिल बनाया, तो मैंने 10,000 का सामान ले लिया, क्या मैंने पैसा दिया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑन क्रेडिट बोला मतलब मैंने उधारी, तो मैंने यहाँ पर पैसा दिया क्या, नहीं। ये पैसा मैं देने वाला हूँ, किसको देने वाला हूँ, अजय को, कभी बाद में, समझा। तो यहाँ पे दो लोग कौन हो गए, गुड्स और अजय, दो अकाउंट क्या हो गए, गुड्स अकाउंट और अजय अकाउंट, सिंपल, हाँ है ना। अब दो चीजें मेरे को बताओ, ये दो नाम मैंने बता दिया आपको, तो गुड्स, गुड्स मतलब यहाँ पे गुड्स मतलब मैंने माल खरीदा या मैंने माल बेचा, खरीदा, तो इसको बोलेंगे परचेसेस बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, परचेसेस, देखो परचेसेस, और किससे खरीदा, अजय से। अरे तकलीफ, पक्का, परचेसेस का मतलब क्या हुआ, मैंने माल खरीदा, अरे मैंने माल खरीदा मतलब मेरे पास गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो गुड्स कम्स इन, गुड्स, मेरे पास माल आ रहा है, मेरे पास माल क्या आ रहा है, आ रहा है, तो इसको कौन से अकाउंट में डालते बेटा, इसको हम लोग डालते हैं रियल अकाउंट में, क्यों, गुड्स देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, गुड्स टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा अकाउंट लिखा है, अभी मैंने क्या डिस्कस किया, गुड्स, अगर मैं गुड्स लिखता तो रियल अकाउंट आता, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, परचेज, इसलिए यहाँ पर लिखूंगा नॉमिनल अकाउंट, क्या लिखूंगा, नॉमिनल अकाउंट। अरे समझ में आया क्या, अगर मैं गुड्स लिखूंगा तो गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल, लेकिन भाई मैंने गुड्स तो लाया है, एग्री करता, मैंने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा है, लेकिन अकाउंट्स में जो गुड्स आप खरीदते हो, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो उसको लिखते हैं परचेसेस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मतलब अगर आप पहला, अगर मैं तुमको पहला सम सिखा रहा हूं और पहले सम में मैं आपको गुड्स सिखाऊंगा, सिर्फ गुड्स लिखना सिखाऊंगा, तो गुड्स कौन सा अकाउंट होता है, रियल, क्योंकि देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील, लेकिन आप क्या कर, माल खरीद रहे हो तो ये आपके लिए क्या है, खर्चा है, क्या है आपके लिए, खर्चा, परचेस करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, परचेसेस, क्या लिख रहे हैं, परचेस, तो परचेसेस कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल, समझा, हाँ है ना, क्योंकि आपने माल खरीदा तो आपके लिए वो क्या है, खर्चा है, क्या है वो, खर्चा। वापस बोला, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, गुड्स कम्स इन, अगर मैं यहाँ पे गुड्स लिखता तो रियल अकाउंट, लेकिन मैंने गुड्स आ रहा है, गुड्स मेरे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने खरीदा, तो खरीदे हुए गुड्स को क्या बोलते हैं, परचेसेस, क्या बोलते हैं, परचेस, तो परचेसेस कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल। स्टार्टिंग समय अगर आप गुड्स लिखोगे और रियल लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपने को अच्छा अकाउंट्स करना है, इसलिए मैं बेसिक से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन, कि अगर आपने गुड्स लिखा है तो रियल लिखने का, लेकिन परचेसेस लिखा तो क्या लिखेंगे, नॉमिनल लिखेंगे, सिंपल। अब मुझे बता, अजय इंसान है, इंसान मतलब पर्सनल अकाउंट, नाम से ही मालूम पड़ रहा है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। अब मुझे बताओ पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मुझे बताओ अजय माल ले रहा है कि माल दे रहा है, तो इसका मतलब अजय इज द गिवर, अजय इज द, अरे कोई तकलीफ, अजय इज द गिवर। मैं अजय की दुकान पर गया माल खरीदने के लिए, अजय, मैंने माल खरीदा तो मेरे पास माल आ रहा है, लेकिन वहां पे अजय का नाम लिखा, तो अजय माल दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है, दे रहा है मतलब अजय इज द गिवर, अजय इज द गिवर। कोई तकलीफ, पक्का, श्योर, दो सब में कोई डिफिकल्टी, फर्स्ट और सेकेंड में, आगे बढ़ो थर्ड में, ओके। यहाँ पर क्या बोला, कैश सेल्स 7,000 रुपया, मैंने पैसा बेचा 7,000 रुपए का, मैंने क्या बेचा, पैसा बेचा, क्या आप कभी पैसे को बेच सकते हो, सर गलत हो गया, मतलब आप
अगर आप नॉर्मल जाओगे कैश सेल्स मतलब पैसे को बेचा, तो पैसा कोई बेच सकता है नहीं। तो इसका मतलब होता है, ये जो सेंटेंस लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, इसका पूरा मतलब क्या होता है, गुड्स बेचा बदले में क्या मिला, कैश। कैश सेल्स का मतलब स्टार्टिंग में जो ट्रांसलेशन बताया वो ट्रांसलेशन तो ऐसे ही है, लेकिन उसका मतलब पैसा बेचा ऐसा नहीं होता है। पैसा बेचा मतलब पैसे के लिए गुड्स बेचा, क्या बेचा, पैसे के लिए गुड्स बेचा, मतलब मैंने माल बेचा बदले में मुझे क्या मिला, पैसा। मैंने माल बेचा बदले में मुझे क्या मिला, पैसा। तो दो चीजें बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, आपने माल बेचा बदले में आपको क्या मिला, कैश। तो दो अकाउंट आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या, बोलो दो अकाउंट बता सकते हैं क्या, वापस बता रहा हूं, मैंने क्या बेचा, कैश और सेल्स, ये दो अकाउंट हो गया। कैसे, मैंने माल बेचा तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो मेरे लिए दो अकाउंट हो गया, एक गुड्स अकाउंट हो गया रहा ना, और दूसरा क्या हो गया, कैश। सर आपने माल बेचा तो कैश आएगा कि जाएगा, कैश कम्स इन, कैश आएगा, अगर मैं माल बेचूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, सीधी बात है, और अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो गुड्स जाएगा, गुड्स जाएगा, गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट, अरे समझा। लेकिन मैंने क्या बोला, हम गुड्स लिखेंगे क्या, मैंने खरीदते समय परचेसेस लिखा, तो ये परचेस मेरे लिए गुड्स कम सीन होगा क्या, नहीं, यहाँ पे मेरे लिए हो जाएगा परचेज इज एक्सपेंस, परचेज इज एन एक्सपेंस, अरे सर तकलीफ, मेरे लिए गुड्स कम सीन नहीं होगा, मेरे लिए क्या होगा, परचेज इज एन एक्सपेंस। वैसे ही गुड्स गोज आउट, तो यहाँ पे गुड्स गोज आउट मतलब सेल्स इज एन इनकम, सेल्स इज एन इनकम, अरे समझा, वापस बता रहा हूं। मैंने क्या बताया, जब हम लोग बेसिक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो हम ये समझे कि मेरे पास गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, ये समझना है हमको। तो अभी तुम लोग ने ये क्या पढ़ा कि कैश सेल्स मतलब गुड्स मैंने बेचा, किसमें है, कैश, तो मेरे पास कैश आएगा सामान जाएगा, मेरे पास कैश आएगा और गुड्स जाएगा, अरे है ना, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गुड्स जा रहा है, गुड्स क्यों जा रहा है बेटा, क्योंकि हमने क्या किया, सेल्स, और सेल्स गुड्स अगर मैं लिखूं तो रियल अकाउंट, सेल्स लिखूं तो नॉमिनल अकाउंट, गुड्स अगर लिखूंगा तो रियल अकाउंट, सेल लिखूंगा तो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि मैं माल बेच रहा हूं, मैं माल क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो सेल्स मेरे लिए कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने माल बेचा है तो पैसा आएगा, पैसा आ रहा है मतलब सेल्स मेरे लिए क्या है, इनकम है, सेल्स मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो यहां पर गुड्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, सेल्स। वापस बता रहा हूं बेटा, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, लोग गुड्स रख के भी सिखाते हैं और लोग परचेज लिख के भी सिखाते हैं, लोग गुड्स से भी सिखाते हैं सेल्स, जो गुड्स से सिखा रहा है वो रियल अकाउंट के थ्रू जाएगा, लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट के थ्रू क्यों जाएगा, क्योंकि वो परचेज और सेल्स है, परचेज और सेल है, समझा। कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट हो गया, रियल, और हमने डिस्कस किया सेल्स क्या है, इनकम, इसलिए वो कौन सा अकाउंट आएगा बेटा, परचेस कौन सा अकाउंट था, नॉमिनल, तो सेल्स भी कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल, कोई तकलीफ। वापस बोल रहा बेटा, सिंपल बोल रहा, कैश सेल 7000, मैंने कैश सेल्स किया मतलब मैंने माल बेचा बदले में मुझे क्या मिला, पैसा मिला, तो कैश अकाउंट एक हो गया, कैश रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट बोलता है कैश कम्स इन मतलब पैसा आ रहा है, सिंपल। मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा मतलब मैंने सेल किया, मैंने सेल किया, तो सेल किया मतलब मैं माल बेचूंगा तो मुझे क्या मिल रहा, पैसा मिल रहा है, तो सेल मेरे लिए क्या हो गया, इनकम, सेल मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। परचेस किया, परचेस किया तो पैसा जा रहा है कि आ रहा है, पैसा जा रहा है, मैंने माल खरीदा, परचेस मतलब मैंने माल खरीदा, तो मैंने माल खरीदा तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, पैसा मेरा जाएगा मतलब मेरे लिए इनकम की एक्सपेंस, एक्सपेंस, परचेस एक्सपेंस, सेल्स इनकम, ठीक है, सेल्स क्या हो जाएगा, इनकम, सेल्स हो गया नॉमिनल अकाउंट, कैश हो गया रियल अकाउंट, कोई तकलीफ है ना। स्टार्टिंग में समझो क्वेश्चन, बस
नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड कमीशन 500 रुपीज। मुझे क्या मिला बेटा? कमीशन मिला। नाम क्या है? कमीशन। लेकिन मिलता क्या है? कैश। कमीशन तो एक बहाना है, दरअसल हमें कैश कमाना है। सीधी बात है। अभी कमीशन मिला, कमीशन मिला तो बेटा दो अकाउंट कौन कौन से हो गए? एक हो गया सर आपका कमीशन अकाउंट, है ना, एक हो गया आपका कमीशन अकाउंट और एक हो गया आपका कैश अकाउंट। आप कभी ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा तकलीफ नहीं है, ठीक है। दो अकाउंट खाली, भाई इधर कमीशन इधर कैश लिखा तो भी चलेगा। अब ध्यान दो, कमीशन मिला तो कमीशन अकाउंट हो गया, लेकिन कमीशन के तौर पे मिलता क्या है? कैश। कमीशन तो एक बहाना है, पैसा ही तो आ रहा है अपने पास। अब ये कैश है, कैश। अभी मैंने कमीशन मिला, मिला कमीशन मिला तो बताओ मेरे को कैश मिल रहा है? कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, क्योंकि वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल। लेकिन अगर मैं कमीशन की बात करूं तो कमीशन मुझे मिल रहा है कि मुझे देना पड़ रहा है? मिल रहा है। तो मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। तो कमीशन इज, कमीशन इज एन इनकम, वो मेरे लिए क्या है? इनकम है। तो वो कौन सा अकाउंट में आएगा बेटा? नॉमिनल अकाउंट में। अरे तकलीफ, पक्का? मुझे मिला मतलब मेरे लिए वो क्या हो गया? इनकम। सेम, मैंने क्या पे किया? रेंट पे किया। मैंने क्या पे किया? रेंट पे किया। अब रेंट देने का मतलब रेंट मेरे लिए एक खर्चा हो गया। रेंट मैंने दिया मतलब मेरे लिए वो खर्चा है, और बदले में देता क्या हो? कैश। मैं जाऊंगा रूम मालिक को बोलूंगा ये लो पैसा, पैसा क्या के लिए दे रहा हूं? क्योंकि वो भाड़ा है। जा क्या रहा है? कैश। क्या बोल के जा रहा है? रेंट। तो रेंट मेरे लिए बेटा क्या हो गया? रेंट इज एक्सपेंस, रेंट इज एन एक्सपेंस। और रेंट कौन सा अकाउंट हो गया बेटा? नॉमिनल। कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल। तकलीफ। कैश, अब वो कैश आ रहा है कि जा रहा है? अगर मैं दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। अरे तकलीफ, कैश जा रहा है तो कैश कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। कोई तकलीफ? वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। कुछ भी आपको मिलेगा, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन इनकम, पेड रेंट, रेंट एक्सपेंस। तो कमीशन इनका, कमीशन आपको मिला तो इनकम हो गया, रेंट आपने पे किया तो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो इनकम और एक्सपेंस हो गया। इनकम बोला तो नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस बोला तो भी नॉमिनल। लेकिन बदले में दूसरा अकाउंट क्या आएगा? कैश। दूसरा अकाउंट क्या आएगा? कैश। क्यों? क्योंकि आप कमीशन लोगे तो भी पैसा आएगा, आप रेंट दोगे तो भी पैसा जाएगा, समझा? तो दूसरा अकाउंट आपका क्या होगा? कैश। तो कैश आएगा या जाएगा? कमीशन मिला मतलब कैश भी मिला, कमीशन मिला मतलब कैश भी मिला। कमीशन मिला तो कमीशन क्या हो गया मेरे लिए? इनकम। क्या हो गया मेरे लिए? इनकम। मैंने रेंट दिया, रेंट दिया मतलब पैसा दिया, रेंट दिया मतलब पैसा दिया। पैसा जाता है, दिखता है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन रेंट दिया, रेंट क्या हो गया? नॉमिनल। नॉमिनल बोलता है एक्सपेंस है वो। क्या है वो अपने लिए? एक्सपेंस। क्या है वो? एक्सपेंस। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी? आपको क्वेश्चन में एस्पेक्ट बोला तो सिर्फ एस्पेक्ट वाला लिखने का, अगर क्वेश्चन में एस्पेक्ट और अकाउंट्स बोला तो ये दोनों लिखने का, अगर क्वेश्चन में बोला क्लासिफिकेशन भी तो ये तीनों लिखने का। कोई तकलीफ? समझा? पक्का?